हेलो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के फिफ्थ सेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे और हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्या वैल्यूज़ हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के अगेंस्ट में छः और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, और उसे कैसे याद रखें। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 टेन 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, सो देर आर फोर ऑप्शन गिवन। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो हम टेन 30 का वैल्यू जानते हैं, तो हम टेन 30 का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू होगा डायरेक्टली 1/√3, जो कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था। अगर आप बाई चांस टेन 30 का वैल्यू ना जानते हो, तो एटलीस्ट साइन 30 के वैल्यू से और कॉस 30 के वैल्यू से आप टेन 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन 30 इज इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और कॉस 30 का वैल्यू होता है साइन 60, यानी √3/2। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि अगर आप सिर्फ साइन का वैल्यूज याद रखें तो आप कॉस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, कोसिक सेक ये सारे निकल जाएंगे सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को याद रखकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, ये वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इसी तरह से टेन 30 इज 1/√3। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टू टेन 30 बाई 1 + 10²30। ठीक है, तो 2 × 10³० की जगह पे 1/√3 बाई 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 + 1/3। ठीक है, तो ये 2/√3 और नीचे एलसीएम में आ जाएगा 4/3। ठीक है, 1 + 1/3 इज 4/3। 2/√3 × 3/4 इक्वल टू, ये 2 और 4 काट सकते हैं और ये √3 और √3 यानी √3/2। इसका मतलब जो ये 2 tan 30 / 1 + tan²30 हमने वैल्यू निकाला, ये निकल कर आ गया √3/2। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ए है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा √3/2। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो √3/2 है, जो कि साइन 60 के बराबर, तो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। चाहे तो आप बाकी का ऑप्शन भी एक बार देख सकते हैं। कॉस 60 का वैल्यू होता है साइन 30, यानी वैल्यू होता है हाफ, तो ये आंसर नहीं होगा। सी इज टेन 60 डिग्री। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ √3 आंसर नहीं है, √3/2 आंसर है, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और साइन 30 है लास्ट ऑप्शन। साइन 30 और कॉस 60 सेम है, तो ये इसका भी आंसर हाफ है, तो ये भी गलत है। तो ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। एक ही करेक्ट ऑप्शन है, आई जस्ट शोड यू कि बाकी के ऑप्शन क्यों रॉन्ग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan²45° बाई 1 + tan²45°। ठीक है, तो टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर आपको अगेन याद नहीं है कि टेन 45 का वैल्यू क्या है, तो एटलीस्ट साइन 45 का वैल्यू याद होगा। साइन 45 इज 1/√2 और कॉस 45 इज सेम है साइन 45। ठीक है, 1/√2 मतलब दोनों सेम है, तो साइन 45 बाई कॉस 45 इज टेन 45 और दोनों सेम है, तो टेन 45 का वैल्यू होगा 1। ओके, 1 - tan²45 बाई 1 + tan²45। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो 1 - सब्सिट्यूट कर देंगे टेन 45 की जगह पे 1 1² / 1 + 1² तो आप देख रहे हैं कि 1 - 1² यानी 0, 0 / 1 + 1 यानी 0/2। तो जो भी हो, न्यूमरेटर पे अगर 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, सो इट इज 0। अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो जस्ट लर्निंग पर्पज से बाकी के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। टेन 90 का वैल्यू होता है साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 0, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, जैसे कि हमने सीखा है पिछले सेशंस में। बी का ऑप्शन देखते हैं, 1 है। सी ऑप्शन है साइन 45। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। तो आप देख रहे हैं बाकी के ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, डी का ही ऑप्शन एक है जो कि करेक्ट है। ये जस्ट मैंने लर्निंग पर्पस के लिए बाकी के ऑप्शंस को आपको
आपको दिखा दिया कि क्या मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू। तो ये एक आइडेंटिटी टाइप दिया गया है कि साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए, ठीक है। ये कब ट्रू होगा, जब ए का वैल्यू क्या रहेगा। तो हमें पता करना है कि ये ए का कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे साइन टू ए का वैल्यू टू साइन ए हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, तो ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। साइन टू ए जब ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, जब एंगल ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, तो साइन टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। साइन टू ए का वैल्यू हो जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ ए यानी ट्वाइस ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये एल एच एस हो गया, और आर एच एस क्या है, आर एच एस है टू साइन ए, तो टू साइन ए का वैल्यू ज़ीरो है, जीरो डिग्री, तो टू इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। जस्ट बाकी के ऑप्शंस को भी चाहे तो आप देख सकते हैं, बट दे वॉन्ट बी करेक्ट, ठीक है। साइन थर्टी को ले लीजिए, ए ए इक्वल टू थर्टी ले लेंगे तो साइन टू ए का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ टू इंटू थर्टी यानी साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, और टू साइन ए आर एच एस का वैल्यू हो जाएगा टू इंटू साइन ऑफ थर्टी यानी टू इंटू साइन थर्टी का वैल्यू हाफ वन। तो आप देख रहे हैं एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, सो बाकी के ऑप्शन जो हैं वो गलत होंगे, आपको बस ज़ीरो डिग्री ही मिलेगा जिसके लिए ये साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इट इज़ ट्रू, इट होल्ड्स गुड व्हेन ए इज इक्वल टू ज़ीरो डिग्री, ओके। सो आंसर वुड बी द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ टेन थर्टी का वैल्यू पूछा गया है, तो टेन थर्टी का वैल्यू होगा वन बाई रूट थ्री, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए टू इंटू टेन थर्टी यानी टू इंटू वन बाई रूट थ्री बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, यानी टेन थर्टी का वैल्यू है वन बाई रूट थ्री उसका स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा टू बाई रूट थ्री डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई थ्री, ओके। तो ये बन गया टू बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई थ्री क्या होता है टू बाई थ्री, टू बाई रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई टू, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री और थ्री को कैंसिल करके रूट थ्री डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो रूट थ्री जो वैल्यू है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका वैल्यू रूट थ्री है, क्लियरली आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो है टैन सिक्सटी, आपको पता होना चाहिए कि टैन सिक्सटी का जो वैल्यू है वो रूट थ्री होता है, ओके। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस को चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, कॉस सिक्सटी का वैल्यू होता है वन बाई टू, ठीक है, साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, साइन थर्टी का वैल्यू होता है हाफ, तो आपको किसी भी केस में रूट थ्री नहीं मिलता है एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इफ टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री सच दैट ए प्लस बी लाइज बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी डिग्री और ए ए बी से बड़ा है, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस दिए गए हैं, तीन कंडीशन दिए गए। फर्स्ट कंडीशन है कि टैन ए प्लस बी जो है रूट थ्री है उसका वैल्यू, ओके। तो इस कंडीशन से हम इतना पता लगा सकते हैं कि जो ए प्लस बी का वैल्यू है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि रूट थ्री का वैल्यू टैन के केस में कौन से एंगल के लिए आता है, टैन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री दिया गया है और आपको पता है कि टैन सिक्सटी डी इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्सटी डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, आपको पता है कि टैन थर्टी डिग्री का वैल्यू भी वन बाई रूट थ्री होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री, आपको दो इक्वेशन मिल गया दो गिवन इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अभी इन दोनों को आप अगर ऐड कर दे वन प्लस टू, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा सम करने से,
आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2a, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा 90 डिग्री, 60 प्लस 30, ए का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अभी आपको ए का वैल्यू 45 डिग्री पता है और ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री पता है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच इज़ 15 डिग्री। तो आपको ए और बी का वैल्यू 45 और 15 मिल गया, ठीक है, यही बोला था पता करने के लिए इस क्वेश्चन में। ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ए है 45 और बी है 15, और हम देख रहे हैं कि 45 प्लस 15 यानी 60 लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो जो सभी कंडीशंस है वो मैच करते हैं क्वेश्चन के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसके लिए ए और बी का वैल्यू कुछ अज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो ए का वैल्यू 45 डिग्री ले लें और बी का भी वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो LHS है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 प्लस 45, ठीक है, ए प्लस बी, यानी साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब RHS देखते हैं, RHS में साइन ए यानी साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 2 sin 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये बन गया √2, ठीक है, 2/√2 विल बी √2। तो आप देख रहे हैं LHS इज 1, RHS इज √2, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो वैल्यू है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत हो गया, तो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, चाहे तो आप ए का वैल्यू 30 भी लिख सकते हैं और बी का वैल्यू 60 लिख के ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेशन में ही ये पैटर्न देखा था कि जो साइन का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है 0 से 90 डिग्री तक जब एंगल चेंज होता है। तो देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आप देख रहे हैं 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग टर्म में जा रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जब एंगल रहता है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये आप दिखा सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, नेक्स्ट साइन 30 में हाफ है, हाफ का मतलब 0.5, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 का वैल्यू आप जानते हैं कि √2 का वैल्यू अगर 1.414 है तो इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं √2, और √2 से ये बन जाता है √2/2 यानी 1.414/2 यानी 0.707। तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, ठीक। इसी तरह से √3/2 को भी निकाल सकते हैं, √3/2 इज़ 1.7/2 यानी ये 0.8 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.8 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यही आप एग्जाम में लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज वी कैन सी फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ साइन फॉर द गिवन स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो साइन का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू, वो थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में जाता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीजिंग है तो कॉस थीटा का वैल्यू हमने देखा था कि डिक्रीजिंग है, और उसे हमने इस तरह से दिखाया था कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू वो रिवर्स ऑर्डर में रहता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद हाफ, और उसके बाद लास्ट में 0। तो आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर ध्यान देने की बात है, थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 0, क्योंकि यही हमारे स्कोप में है 10th के सिलेबस में, 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीजिंग
है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसके लिए हम थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा हो रहा है कि नहीं। जैसे कि थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, तो थीटा के एक वैल्यू के लिए ही साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम नहीं है, तो बाकी वैल्यूज़ को देखना बेकार है। तो हम सिर्फ थीटा के एक वैल्यू से ही प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा नहीं है। जो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेंगे उनके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम आएगा, बट फॉर ऑल अदर वैल्यूज इनसाइड 0 टू 90 डिग्री साइन थीटा वोंट बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे और इसका जस्टिफिकेशन ऐसे दे देंगे जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए जो है वो पहले तो हम जान लें कि टैन ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और टैन ए साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक है, यानी 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये बन जाता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, कॉट ए का मतलब कॉस ए बाई साइन ए। तो इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ओके, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यानी 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, ओके, क्योंकि डिवीजन बाय 0 हम उसे मीनिंगलेस मान रहे हैं, अनडिफाइंड मान रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, स्टेटमेंट है, सॉरी, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू। और जस्टिफिकेशन के लिए आप ये कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन ऑल्सो। ओके, इस सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में जल्द ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा वेबसाइट है onlinepsa.in, इसे बुकमार्क करना ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद।